हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी। वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्टाइलिंग रिव्यूज़। आज मैं आप लोगों के साथ मेकअप लुक का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और ये मेकअप लुक बिल्कुल सिंपल एंड डिसेंट मैंने रखा है। फेस्टिवल्स में आप इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हैं। बैक टू बैक बहुत सारे फेस्टिवल्स अब आने वाले हैं, प्लस कभी कभी फेस्टिवल्स में हम लाइट मेकअप भी करते हैं, हैवी मेकअप भी करते हैं। तो इस तरह का लाइट मेकअप आप इसे ईजिली कर सकते हैं। साथ में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपकी स्किन ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन है तो आप उस टाइम पर किस तरह के मेकअप प्रोडक्ट को यूज़ करें और कैसे मेकअप करें। बहुत ही अमेजिंग ये मेकअप लुक होगा। आप देख सकते हैं कि मैंने ज़्यादा कुछ इसमें हाई चीज़ें नहीं यूज़ की है, मैंने बहुत ही बजट फ्रेंडली सारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। तो चलिए आज का मेकअप लुक वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस लुक में मैंने जो टॉप वेयर किया इसका मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर रिव्यू किया हुआ है, ज्वेलरी का रिव्यू मैंने किया। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप जाके देखिएगा, इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी। मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अपना स्किन रूटीन कर लूँगी। सबसे पहले मैंने गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर यूज़ किया है। ग्रीन टी टोनर स्पेशली ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए। आज मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ ये सभी स्पेशली ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए। ग्रीन टी टोनर में आपको बहुत ही, जब भी आप इसे लगाएंगे आपको रिफ्रेशिंग लुक मिलेगा, रिफ्रेशिंग फ्रेशनेस बहुत ज़्यादा मिलेंगी और आपके धीरे धीरे एक्ने स्कार्स को भी हील करता है। आप इसे डेली बेसिस पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एंटी एक्ने फेस सीरम यूज़ किया जो कि डर्म डॉग ब्रांड से है। ये भी स्पेशली एंटी एक्ने वालों स्किन के लिए है। इसके अंदर आपको सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है जो कि हमारे एक्ने स्कार्स को धीरे धीरे फेड आउट करने में बहुत हेल्प करता है। इसे मैं फेस पे लगा के अच्छे से मसाज कर लूँगी। इसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र के लिए गुड वाइब्स का ऑरेंज जेल यूज़ किया है। मैं हमेशा यही ऑरेंज जेल यूज़ करती हूँ ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए। इसमें आपको नो पैराबीन, नो सल्फेट, नो मिनरल ऑयल्स मिल जाता है जो कि अच्छा रहता है अगर आप इस तरह के केमिकल फ्री प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। इसके अंदर आपको जो है फुल ऑफ विटामिन सी मिलता है जो कि हमारे एक्ने स्कार्स को धीरे धीरे फेड आउट करता है। नेक्स्ट मैंने वादी हर्बल ब्रांड का लिप बाम यूज़ किया, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। इसे हम तब तक लगा लेंगे जब से हम अपना आगे का और मेकअप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मैंने प्राइमर के लिए NY बे का ब्लर इन प्राइमर यूज़ किया है। ये प्राइमर बहुत अच्छा है, सिलिकन बेस्ड में आपको मिल जाता है जो कि ऑयली स्किन के लिए बहुत अमेजिंग है। इसे लगाते ही आपके जो पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज होते हैं और आपको एक स्मूथ सर्फेस मिलता है फाउंडेशन या उसके आगे का मेकअप करने के लिए। तो हमेशा प्राइमर को ज़रूर यूज़ करिए फाउंडेशन से पहले। नेक्स्ट मैंने लैक्मे ब्रांड का 9 to 5 CC क्रीम यूज़ करी। इसमें मेरा शेड बेज है क्योंकि मैंने इस मेकअप को बहुत लाइट रखा है, इसलिए मैं CC क्रीम यूज़ कर रही हूँ। और प्लस ये डे मेकअप भी है तो आप CC क्रीम डे मेकअप टाइम पे बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी और वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर को आपको वेट कैसे करना है, आपको जस्ट उसे एक मग में लेना है और उसे पूरा डिप करके अच्छे से स्क्वीज आउट कर लेना है जिससे सारा जो उसका वाटर वो निकल जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल सॉफ्ट फ्लफी सा ब्यूटी ब्लेंडर आता है, इसे बहुत ही ईजिली हो जाता है आपके किसी भी फाउंडेशन या CC क्रीम को ब्लेंड करने में। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है। अगर आपको लगता है कि CC क्रीम एक बार में हमारे स्कार्स को या हमारे फेस पे जो भी मार्क्स हैं उसे फेड आउट नहीं कर पा रहा है तो डेफिनेटली हम इसे 2 टाइम लगा सकते हैं। आप इसके ऊपर फिर से एक बार CC क्रीम या फाउंडेशन को लगा के आप अच्छे से एक फुल कवरेज मेकअप लुक आप इससे भी दे सकते हैं। मैंने इस लुक में CC क्रीम का सेकंड कोड नहीं यूज़ किया है। इसके बाद नेक्स्ट मैंने NY बे का कंसीलर यूज़ किया है। इसे मैं अपने अंडर आई एरिया और जहाँ जहाँ पे भी मुझे मार्क्स विजिबल है वहाँ पे मैं इसे लगा के ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मेरे जितने भी मार्क्स हैं वो हाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट मैंने कॉम्पैक्ट के लिए मेबलिन ब्रांड का फिटमी मैट प्लस पोरलेस पाउडर यूज़ किया है। ये आपको अप टू 12 आवर्स तक ऑयल कंट्रोल देता है जिससे कि हमारे फेस पे ऑयल ना हो और ये स्पेशली ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए। इसमें मेरा शेड आइवरी है तो बहुत ही अमेजिंग ये पाउडर मुझे लगा और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग भी आपको मिलती है। नेक्स्ट मैं अपने आईब्रोज़ को सेट कर लूँगी। आईब्रोज़ के लिए मैंने इस बार आई शेडो पैलेट का यूज़ किया है, वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। रोज़ इन द एयर इसमें शेड नंबर है। इसमें से मैं ब्राउन कलर पिक करूँगी। पहले मैं अपने आईब्रोज़ को इस ब्रश की हेल्प से अच्छे से कॉम कर लूँगी। इसके बाद मैंने अपने आई शेडो पैलेट में से ब्राउन कलर पिक किया, दूसरे साइड से मैं इसे अच्छे से फिल करते हुए अच्छे से सेट कर लूँगी। बहुत ही ईजिली अगर आपके पास आई शेडो पैलेट है किसी भी उसमें लाइट ब्राउन कलर में तो आप उसे कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार जो है एक आईब्रो किट अलग से लें।
तो अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि अगर आपने आई शेडो पैलेट का यूज़ किया है। इसके बाद मैं अपना आई मेकअप करूँगी। आई मेकअप के लिए मैंने बहुत ही लाइट रखा है सारी चीज़ें। सेम पैलेट में से मैंने ब्राउन कलर पिक किया, इसे मैं अच्छे से अपने पूरे आईलेट पे स्प्रेड कर लूँगी। आई मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा टाइम दे करके अपने आई मेकअप में ब्लेंडिंग ज़रूर करिए। इस तरह से मैं पूरे ब्राउन कलर को अपने आईलेट पर अच्छे से लगा लूँगी। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा नेचुरल सा ब्राउन कलर आपको मिलेगा। बोथ आईज़ पे मैंने सेम ब्राउन कलर लगा लिया, बहुत ही नेचुरल लुक लगता है। इसके ऊपर सिंपल मैं सेम आई शेडो पैलेट में से मैंने ब्राउन ग्लिटर का यूज़ किया, इसे मैं अपने फिंगर की हेल्प से अपने आई लिड पर लगा लूँगी। इस तरह से ग्लिटर लुक लगाने से डे टाइम और नाइट टाइम दोनों टाइम पर बहुत ही अमेजिंग लुक लगता है, प्लस बहुत ही सिंपल एंड डिसेंट आपकी आई लुक लगती है। नेक्स्ट मैं अपने लोअर लाइन को भी थोड़ा सा स्मच करूँगी, सेम ब्राउन शेड मैं लूँगी और एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से अपने लोअर लाइन को भी हल्का सा स्मच कर लूँगी। नेक्स्ट मैंने आईलाइनर के लिए NYBAE का लिक्विड आईलाइनर यूज़ किया। इसमें आपको बहुत ही फाइन सी ब्रश मिल जाती है, जिससे बहुत ही इजीली हो जाता है आईलाइनर को लगाना। बहुत ही पतला सा आईलाइनर मैंने ड्रॉ किया है। नेक्स्ट मैंने काजल के लिए लैक्मे आइकॉनिक ब्लैक काजल यूज़ किया है। नेक्स्ट मैं ब्लशर के लिए स्विस ब्यूटी ब्रांड का बेक्ड ब्लशर एंड हाइलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें आपको टू शेड ब्लश के लिए मिल जाता है, टू शेड हाइलाइटर के लिए। बहुत अमेजिंग ये पैलेट है, बहुत ही नेचुरल लुक आपको प्रोवाइड करता है, प्लस बहुत ही हल्की सी शाइन भी आपके फेस पे रहती है। तो इसमें से मैं लाइट पिंक कलर लेकर के अपने चीक एरिया पे अच्छे से ब्लश कर लूँगी ब्रश की हेल्प से। सेम पैलेट से ही मैं हाइलाइटर का भी यूज़ करूँगी, अपने नोज़ एरिया, चिन एरिया, चीक एरिया, अपने फोरहेड पर हाईलाइट कर लूँगी। प्लस इससे आपको हल्की सी शाइन भी आपके फेस पर मिल जाती है। सेम हाइलाइटर पैलेट से ही मैं अपने इनर कॉर्नर और आईब्रोज के कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं अपने मेकअप को लॉक करने के लिए फिक्सर यूज़ करूँगी। स्विस ब्यूटी ब्रांड का स्प्रे सेटिंग है ये, बहुत अमेजिंग है। इसके अंदर आपको एलोवेरा एंड विटामिन ई मिल जाता है, जो कि ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, प्लस अफोर्डेबल प्राइस में भी अवेलेबल है। इसे मैं थोड़ा सा स्पंज की हेल्प से डैप डैप कर लूँगी। इसके बाद नेक्स्ट लिपस्टिक के लिए मैंने लैक्मे की मैट लिपस्टिक का यूज़ किया है। ऑरेंज शेड में ये आपको मिल जाता है, शेड नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा ये ऑरेंज कलर है, किसी भी लुक के साथ, किसी भी आउटफिट के साथ, किसी भी कलर के साथ चला जाता है। थोड़ा सा ब्राइट मैं इसे करूँगी डबल कोट लगा करके, प्लस बहुत ही अमेजिंग लगता है। मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल एंड सिंपल मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया। आप इसे इजीली डे टाइम फंक्शन हो या कोई भी इस तरह के फंक्शन आ रहे हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, आप उसमें कर सकते हैं। इस मेकअप लुक में मैंने जो टॉप वेयर किया, इसका मैंने रिव्यू ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर किया हुआ। अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी। ज्वेलरी का भी मैंने वीडियो शेयर किया हुआ, उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूँगा। आप ज़रूर इस लुक को क्रिएट करिए और आपको कैसा लगा मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए अगर हेल्पफुल है तो बिना लाइक के बिल्कुल मत जाइएगा, लाइक करने से बहुत सपोर्ट मिलता है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।